और चूंकि देश भर में गहलोत साहब की बदनामी हुई है, ये निर्भया से कम कांड नहीं था, आने से पहले एक ऐसी भूमिका बना देंगे जो सच्चाई तक सीबीआई को भी नहीं जाने देंगे। राजस्थान की सरकार, प्रियंका जी ने बड़ी नाराजगी इस मामले पर जताई है और मुख्यमंत्री जी को कहा है कि ये क्या रोज यहाँ पर राजस्थान में हो रहा है। उसी का परिणाम है कि ये जांच तुरंत फुरत सीबीआई को दे दी गई। सर, अब पुलिस कभी नहीं रही है, सूत्रों के अनुसार ऐसा छपवाया जा रहा है, लिखवाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये हादसा था और हादसे में हो गया, क्या अब? देखो, सबसे पहला रिएक्शन एसपी अलवर का ये था कि ये सेक्सुअल असॉल्ट है और इसको ऊपर तक माना था सेक्सुअल असॉल्ट है। मीडिया में भी यही साया हुआ सर्वत्र। और चूंकि देश भर में गहलोत साहब की बदनामी हुई है, ये निर्भया से कम कांड नहीं था, तो राजस्थान की पुलिस उसको टर्न दे रही है, एक नया मोड़ दे रही है। जब प्रकरण सीबीआई को दे दिया तो बीच में राजस्थान की पुलिस पंचायत क्यों कर रही है? आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और उसको बता रहे हैं, जोमेटो से जोड़ रहे हैं, कभी किससे जोड़ रहे हैं, कभी एक्सीडेंट कह रहे हैं, तो इन फिजूल बातों से मतलब क्या है? सीबीआई को जांच करने दो। मेरे को इससे ऐसा लगता है सीबीआई आने से पहले एक ऐसी भूमिका बना देंगे जो सच्चाई तक सीबीआई को भी नहीं जाने देंगे राजस्थान की सरकार। इसलिए ये जो माहौल बनाया जा रहा है, ये मेरी समझ तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर है। क्योंकि जब हम सवाई माधोपुर में प्रियंका जी से मिलने गए थे और जिन युवतियों को उन्होंने बुलाया था, तो वहाँ से ही पता लगा था हमको, अंदर के सूत्रों से, मैं विश्वस्त सूत्रों ने ये बताया था कि प्रियंका जी ने बड़ी नाराजगी इस मामले पर जताई है और मुख्यमंत्री जी को कहा है कि ये क्या रोज यहाँ पर राजस्थान में हो रहा है। उसी का परिणाम है कि ये जांच तुरंत फुरत सीबीआई को दे दी गई। अब तो आज तो वहाँ पंचायत है सिख संगत की और वो भी सामाजिक स्तर पर इस मुद्दे को उठा रहे हैं, किसी भी स्तर पर इसको दिशाहीन होने नहीं देंगे, जो राजस्थान की सरकार करना चाहती है। एक प्रतापगढ़ के धरियावद में 17 जनवरी को एक नाबालिग बच्ची थाने पर पहुंची थी कि हमारे साथ गैंगरेप हुआ है। अब जाके पेट्रोल पंप लूट मामले में कुछ पकड़े गए हैं, तो ये पकड़ में आया है कि इस तरह की घटनाएं वो करते थे कि सुनसान जगहों पर कोई जा रहा हो तो उसे उठा कर गैंगरेप करते, तो इस तरह की वारदात पुलिस खोलती नहीं है, बताती नहीं है, आम हो गया है ये। मैंने वहाँ जो गौतम जी के बेटे थे कन्हैयालाल जी, उनसे आज सुबह ही बात की थी और इन्होंने कहा तो पुरानी घटना है, ऐसी घटनाओं को लेकर जब थाने पर जाते हैं तो उसको दबा दिया जाता है, FIR दर्ज नहीं करते। और पेट्रोल पंप की लूट में जिनको पकड़ा है उनसे ये तथ्य सामने आए हैं और वैसी घटना वहाँ होती है जैसी थानागाजी में गैंगरेप हुआ था खुले में। तो सरकार अपराधों को दबा रही है, गंभीर प्रवृत्ति के जो अपराध हैं सरकार राजस्थान की पुलिस इस ढंग से दबाएगी तो कभी न कभी बड़ा असंतोष राजस्थान में भड़केगा जिसको सरकार सहन नहीं कर पाएगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो जो युवती है वो आदिवासी है, भोले भाली आदिवासी युवतियों के साथ में इस ढंग का गैंग रेप अब आम परंपरा बन गई है, उनका देह शोषण, मानव तस्करी आम परंपरा राजस्थान में बनती जा रही है, जिसका मैं घोर शब्दों में निंदा करता हूं और मुख्यमंत्री जी को इसमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जिन पुलिस अधिकारियों ने लापरवाही बरती, FIR समय पर नहीं दी, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जब राज्य के मुखिया कहते हैं कि या पुलिस कहती है कि हाँ सबसे ज्यादा बलात्कार के झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, तो एक तरह से महिलाओं पर भी लांछन है और बलात्कारियों को भी हौसला मिलता है। मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं फेक होते हैं, तो धरियावद में क्या है, तो थानागाजी में क्या हुआ था, तो बारा में क्या हुआ, चौं और क्या ये फेक हैं जो गंभीर घटनाएं हो रही हैं। राजस्थान के मुखिया को, मुख्यमंत्री जी को ऐसी हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। ये महिलाओं का, युवतियों का, राजस्थान की का अपमान है। ऐसी ऊंची भाषा मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती।